Karigar Coaching Center, an institute of science and commerce. डिस्कस करते हैं अब टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन सरफेस एरिया का, ठीक है, और वॉल्यूम का। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड are in the ratio 6:5:4, ठीक है। रेशियो क्या है हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूबॉइड में, 6:5:4। एंड इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 33,300 स्क्वायर सेंटीमीटर, then length breadth height of the cuboid respectively are, option given है आपको 9, 85, 60, next 85, 75, 60, third option 90, 75, 70, और लास्ट आपके पास 90, 75, 60, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जहां पे आपको रेशियो गिवन है सरफेस एरिया का, आपको सिर्फ बेसिक जो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करा, मतलब वहां पे हमने देखे जो फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, या टोटल सरफेस एरिया, या आपका लेटरल सरफेस एरिया और वन साइड ओपन, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस करे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि क्यूबॉइड की साइड का रेशियो क्या है, 6:5:4। तो ये हमारे पास क्या दे रखी है, क्यूबॉइड की साइड दे रखी है। तो अगर आप इनको कैंसिल करोगे तो इसका रेशियो क्या होगा, 6:5:4। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करिए, रेशियो कौन सा ऑप्शन 6:5:4 देगा, मतलब थर्ड साइड क्या है, सबसे स्मॉल है, उसके बाद मिड वाली साइड क्या है, मतलब ब्रेथ क्या है उससे ग्रेटर, हाइट लेंथ क्या है उससे सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो 9 क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो लेंथ तो हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 85, 75, 60, कैंसिल करिए इसे, किससे कैंसिल होगा आपका, ये 5 12 5 1 5 5 5 1 5 7, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, 17:15:12, होना क्या चाहिए, 6:5:4, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन 90, 75, 70, रेशियो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए लेंथ है सबसे हाईएस्ट, देन ब्रेथ, देन हाइट, तो यहां पे कैंसिल करोगे आप, 5 1 5 4 5 1 5 5 5 1 5 8 18:15:14, होना क्या चाहेंगे आपको यहां पे रेशियो, इसको कैंसिल करोगे आप, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन भी क्या है, इसमें रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन 90, 75, 60, कैंसिल किससे, 5 1 5 2 5 1 5 5 5 1 5 8, और ये फर्दर कैंसिल हो सकता है आपका, 3 4 3 5 3 6, रेशियो क्या आ गया, 6:5:4, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन सपोज कर लिए दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए आपके पास, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए जो रेशियो दे रहे हैं 6:5:4, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन होंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया 33,300, मतलब 33,300 क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है आपको टोटल सरफेस एरिया, क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या है आपके पास, 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया 2 LB + BH + LH, ठीक है, इज इक्वल्स टू 33,300, इस 2 को आप ट्रांसफर करोगे तो LB की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, ये जो 6 5 दे रखा है आपको, तो उसको 6x 5x ले लोगे, ठीक है। तो लेंथ होगी हमारे पास 6x, ब्रेथ होगी हमारे पास 5x, जब भी रेशियो में गिवन होगा x की टर्म में लिखोगे, ठीक है। हाइट होगी आपके पास यहाँ पे 4x,
अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस 2 को ट्रांसफर करोगे तो ये कैंसिल होगा किस में, 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 5 जा 10 0। इस साइड क्या होगा, LB की प्लेस पे 6 इंटू 5 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एच 5 इंटू 4 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस l इंटू एच 6 इंटू 4 24, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ऐड करोगे आप 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 24 डेट इज इक्वल्स टू 74 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16650, ओके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16650 अपॉन 74, कैंसिल करोगे आप 2327, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, 28 जा 16, 23 जा 6, 225, ठीक है, 22 जा 4, 25 जा 10। अब ये कैंसिल हो सकता है आपका, देखिए 37 से आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 37 अगर आप चेक करो यहाँ पे क्या है 83, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे आप 8325। दो मेथड है, ऑप्शन सेटिस्फाई, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करना है, ठीक है। 37 इंटू 2 कितना होगा, 7 टू 14 3 टू 6 7 कितना आ जाएगा, ये आपके पास 9, 2 5 को कैरी करेंगे 37, 2 को कैरी करेंगे कितना होगा 37 इंटू 3 ग्रेटर होगी वैल्यू, तो 37 इंटू 2 92, 37 इंटू 2 यहाँ पे आपके पास 37 इंटू 2 74 कितना आ जाएगा 12 4 8, ठीक है 871 5 कैरी, 37 इंटू 5 7 5 35 5 3 15 18, ओके। तो 37 इंटू 5 185 क्या आ गया यहाँ पे इसका, ये आ गया आपका क्वेश्चन 225, ओके। इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे रूट होगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा आपका 15 में ओपन होगा, तो x क्या है हमारे पास 15, यहाँ पुट करोगे आप 6 इंटू 15 90, 5 इंटू 15 75, 4 इंटू 15 60, कौन सा ऑप्शन है 90 75 60 डी ऑप्शन। दोनों प्रोसेस हैं, एक ये लेंथी प्रोसेस, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दें जब भी आप इसको अप्लाई करोगे, वरना डायरेक्ट आप रेशियो का जब भी क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 30 मीटर लॉन्ग 24 मीटर ब्रॉड एंड 80 मीटर हाई इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे डायगोनल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो रूम है हमारे पास, ये रूम है हमारे पास क्यूबॉइड में, तीनों लेंथ डिफरेंट है, मतलब ये क्यूबॉइड है आपका, ओके। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट रॉड को आपको एडजस्ट करना है इस क्यूबॉइड में, जिसकी लेंथ क्या है आपके पास यहाँ पे 30 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 24 मीटर, हाइट है हमारे पास 18 मीटर, ठीक है। क्या करोगे आप, इस लॉन्गेस्ट रॉड को प्लेस करोगे, इसका मतलब इसका डायगनल फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको डायगनल, ठीक है, डायगनल आपको फाइंड करना है। तो डायगनल के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, नोट करिए, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये किसका डायगनल है आपका क्यूबॉइड का, किसका डायगनल है क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला नोट कर लिए, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल क्या है 30, 30 का स्क्वायर 900, बी क्या है 24, 24 इंटू 4 24 576, एच क्या है 18, 18 इंटू 18 8864 कितना आ जाएगा आपका 324, ऐड कर दिए और ये इसका स्क्वायर रूट 900, इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 900 प्लस 900 डेट इज इक्वल्स टू 1800, और 1800 को आप ओपन करोगे किसमें, ये किसमें ओपन होगा आपका, इसको आप इसी फॉर्म में रखोगे ना 900 इंटू 2, 900 किस में ओपन होगा 30 में, 30 स्क्वायर रूट 2 किस में, मीटर में, तो मीटर आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कहाँ अप्लाई होगा, जब आप किसी भी रूम में क्या प्लेस कर रहे हो रॉड, ठीक है। तो उसके लिए डायगोनल आप कैलकुलेट कर लोगे, उसकी लेंथ कितनी होगी आपके पास 30 स्क्वायर रूट 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 6500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया आपको गिवन है
एरिया ऑफ बेस कितना है आपके पास ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 6500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द वॉल्यूम ऑफ, एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉटर कंटेन इन इट इज 2.6 मीटर क्यूब, द डेप्थ ऑफ वॉटर इज, क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है आपको, हाइट किसकी, जो आपके पास टैंक है, ठीक है। तो देखिए बेस का एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर बेस का मतलब ये टैंक है हमारे पास, और टैंक किसमें होगा, क्यूबॉइड में होगा, बेस का एरिया दे रखा है हमारे पास, हाइट पूछी है, ठीक है। तो ये बेस का एरिया आपके पास कितना है, 6500 मीटर स्क्वायर, कितना है 6500 मीटर स्क्वायर। एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनर इन इट इज 2.6 मीटर क्यूब, तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम क्या है, कितनी कैपेसिटी है उस कंटेनर की, तो कैपेसिटी कितनी दे रखी है 2.6 मीटर क्यूब, ये क्या है उसका वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, ठीक है। 6500 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है किसका, एरिया है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारे पास यहाँ पे 6500। कैसे करोगे आप, हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, हाइट। आपको पता है वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होती है, बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, हाइट फाइंड करनी है, तो एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 2.6 एल बी एच, बी एल बी की प्लेस पे आप पुट करोगे 6500, ओके 6500, और आपको यहाँ पे एच की फाइंड करनी है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस एच को फाइंड करने के लिए इसको ट्रांसफर कर दिया, 2.6 अपॉन 6500, और ये गिवन है आपको सेंटीमीटर में, किस में गिवन है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या करोगे, मीटर में चेंज करोगे, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, 1/10,000, फाइंड किसकी करनी है, 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो 6500 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, 6500 अपॉन 10,000 यही होगा, तो इसको आप 10,000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ आपने क्या करा है, इसको मीटर में चेंज कर लिया है, क्योंकि ये किस में गिवन है आपको, मीटर क्यूब में, कंटेनर का वॉल्यूम। तो h इक्वल्स टू 6500 ट्रांसफर हो गया डिनोमिनेटर में, ये 10,000 कहाँ ट्रांसफर होगा, न्यूमरेटर में, ओके, ये जीरो कैंसिल, सॉल्व कर लिए इसे, क्या होगी वैल्यू, 2.6 इंटू 100 260 अपॉन 65, देख लिया, ये डेसिमल कैंसिल एक जीरो से, और एक जीरो यहाँ पे नोट करा, अब कैंसिल करिए इसे, 5153 5155 52 और 13 इंटू 4 कितना होता है 52, तो 4 मीटर क्या है हमारे पास, डेप्थ है किसकी, टैंक की, क्लियर। तो 4 मीटर क्या आ गई, हाइट आ गई किसकी, टैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। अब जो बात हो रही है वो पेरीमीटर की हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर, क्लियर। पेरीमीटर क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर क्यूब का गिवन नहीं है, वैसे क्यूब का होता भी नहीं है पेरीमीटर, आप कैसे फाइंड करोगे, आपके पास पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ। तो एक साइड है हमारे पास क्यूब की, एक स्क्वायर साइड होगी, उसका लेंथ क्या है 40, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, फाइंड करिए किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर
या कह सकते हो आप बाउंड्री की लेंथ, ठीक है, क्या गिवेन है 40, होता क्या है स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, यही होता है, किसकी इक्वल है 40 के, साइड किसकी इक्वल है आपका 10 के, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 10 सेंटीमीटर आ गई साइड आपके पास, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है साइड क्यूब, क्या होता है साइड क्यूब, ओके, वॉल्यूम आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्या है 10, तो 10 का क्यूब कर दोगे आप क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, जैसे हमने लॉन्गेस्ट रॉड का क्वेश्चन देखा किसमें, क्यूबॉइड के केस में, इसी तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब के लिए, किसके लिए क्यूब के लिए, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, अच्छा रेक्टेंगल का आपसे अगर पूछा जाए कर लोगे आप, रेक्टेंगल का क्या होगा डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल आपके पास ये फिगर ही तो होगी, ये 90 होगा, तो पाइथागोरस अप्लाई कर लो, ये लेंथ ये ब्रेथ, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है, तो इसकी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, क्लियर, स्क्वायर का फाइंड करना है डायगोनल, इस ये ए है ये ए है, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2a, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ए ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर 2a स्क्वायर और अंडर रूट 2 ए स्क्वायर ओपन हो जाएगा बाहर, ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर रूट 2a, किस केस में स्क्वायर के केस में, ये किसका केस है रेक्टेंगल का केस है, जहां पे हाइट लेस हो गई, यहां पे आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 2a। अब बात आती है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड डेट कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल, किसकी बात हो रही है यहां पे, क्यूब की बात हो रही है, क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इस, ठीक है, ऑप्शन गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर रूट 3 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहां पे देखिए लेंथ हमें फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट रॉड की, क्यूबॉइड का फाइंड करा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेक्टेंगल का क्या होगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात करें क्यूब किससे फॉर्म हो रहा है स्क्वायर से, स्क्वायर का क्या होता है स्क्वायर रूट 2a, ठीक है, यहां भी आपके पास तीनों साइड का आ रहा है क्यूबॉइड के केस में, यहां दो साइड का लेंथ ब्रेथ दो ही होती है आपके पास, वही बात करें यहां पे 2d था स्क्वायर एक, उसका क्या हो गया स्क्वायर रूट 2a, a प्लस a 2a, ठीक है 2a स्क्वायर और रूट यूज करेंगे तो स्क्वायर रूट 2a, इसी तरीके से यहां पे क्यूब का क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3a, ठीक है स्क्वायर रूट 3a, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका लेंथ हो जाएगी किसके लॉन्गेस्ट रॉड की, तो क्यूब के लिए क्या होगा आपका एक आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a, ठीक है ये होता है आपका लॉन्गेस्ट रॉड क्यूब के केस के लिए, ठीक है मतलब डायगोनल आपका हो जाएगा किसका क्यूब का, तो बस वैल्यू पुट कर दिए a की प्लेस पे 10, आंसर 10 स्क्वायर रूट 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। डिस्कस करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन हमारे पास है इफ द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, क्या गिवन है साइड का एरिया किसका क्यूबॉइड, ठीक है 2xyz नेक्स्ट स्क्वायर रूट xyz और लास्ट 3 स्क्वायर रूट xyz, सिंपली क्या करोगे आप फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का lbh, यही होता है वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है आपको पता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यहां पे यूज नहीं करोगे,
आपको यहां पे क्या दे रखा है, ये आपके पास क्या दे रखा है, क्यूबॉइड। ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसकी जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब एक साइड होगी एल बी, बेस की अगर बात करें, ठीक है। इस साइड की अगर बात करें तो होगी बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये क्या होगी आपके पास, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो यही तो साइड है हमारे पास, इनका एरिया आपको गिवन है क्या, एक्स वाई जेड। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की साइड होंगी, ठीक है। एक होगी एल बी, बेस वाली साइड, एक बैक साइड, इस साइड की अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो वो होगी ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। और ये साइड क्या होगी आपके पास, फ्रंट वाली लेंथ, सॉरी लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, लेंथ इनटू हाइट। तो लास्ट वाली एक्स वाई जेड, एडजेसेंट साइड से। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। तो यहां से आप अपनी ये जो वॉल्यूम है, ये तो एल बी एच हो जाएगा, एल बी एच, एल बी बी एच और एल एच की वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, एल बी, वाई की प्लेस पे बी एच, जेड की प्लेस पे एल एच। जो आंसर दे दे एल बी एच, वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है, होना क्या चाहिए आपका ऑप्शन में, एल बी एच। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा एल बी एच की फॉर्म में, वही क्या है आपका आंसर, ठीक है। एक्स की प्लेस पे एल बी, वाई की प्लेस पे बी एच, Z की प्लेस पे LH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, L2 टाइम से, B2 टाइम से, H2 टाइम से, L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, इस फॉर्म में। ये ऑप्शन रॉन्ग, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन 2XYZ, 2 इंटू X की प्लेस पे LB, BH, LH, क्या हो रहा है ये, 2 LBH का होल स्क्वायर। क्या ये आपका वॉल्यूम होता है, नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट X की प्लेस पे LB, y की प्लेस पे बी एच, जेड की प्लेस पे एल एच, और ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एल बी एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हो आप इसको। और ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा इस स्क्वायर को, आंसर क्या होगा, एल बी एच। तो सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइडल, ठीक है, इन अ क्यूबॉइडल। यहां पे आपसे बात कर रहा है हाउ मेनी बैग्स can be stored in a cuboid granary 8 meter, 6 meter, 3 meter if each bag occupy a space of, if each bag occupy a space of 0.64 meter cube, ओके ये रूम है हमारे पास, ठीक है। ये हॉल है जिसमें आप नंबर ऑफ बॉक्सेस लेके आए, एक का डायम, एक का एरिया दे रखा है आपको, ठीक है, और टोटल आपको दे रखा है इस हॉल का। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने के लिए इस रूम में कितने फिट बैठेंगे, आप क्या करोगे, टोटल एरिया जो क्यूबॉइडल है हमारे पास अपॉन ईच बॉक्स का जो हमारे पास एरिया है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो यहां पे भी आपको यही दे रखा है, ये फाइंड करना है आपको, हाउ मैनी बॉक्स, हाउ मैनी बैग्स, ठीक है, कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन इफ ईच बैग ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ 0.64 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको चेक करते, यहां पे आपके पास एक बैग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच बैग, यहां पे आपका क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, एक बैग का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट अपॉन, एक बैग का वॉल्यूम क्या है, 0.64। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक, ठीक है। इस जीरो को हम ट्रांसफर करेंगे, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 100, 8 8 जा 64, क्लियर, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये 4 25 जा, 25 इनटू 3 75, 75 इनटू 3 कितना होगा हमारे पास, ये 5 3 15, 7 3 21, 22, तो 225 किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में, सॉरी ये किस में हो जाएगा आपका, 225 क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है और एक बैग जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस उसका एरिया क्या है, 0.64। वैल्यू पुट करिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में टोटल वैल्यू सॉल्व करा, 225 क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है रीड करते हैं। टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। दो क्यूब हैं जिनका रेशियो क्या है आपका वॉल्यूम का, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, ठीक है, सरफेस एरिया बताया था क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, दोनों मीनिंग क्या है सेम है, ठीक है। दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:27, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का आपका, साइड क्यूब, साइड क्यूब अपॉन, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा आपका साइड क्यूब, ठीक, किसकी इक्वल है 1/27, ठीक है। यहां से आपके पास साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड की वैल्यू क्या होगी, सपोज कर ली इसकी साइड है s, क्या है स्मॉल s, और इसकी साइड है कैपिटल s, तो रेशियो क्या होगा आपका यहां पे 1/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्यूब को हमने ट्रांसफर करा, क्यूब रूट हो गया और 27 ओपन हो गया 3 में, 3 3 9 9 3 27, तो ये ओपन हो गया। तो स्मॉल s अपॉन कैपिटल s का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1/3। पूछा क्या है आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता क्या है आपके पास, सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 6 साइड स्क्वायर, यही होता है आपके पास, तो 6 साइड स्क्वायर स्मॉल में होगा यहाँ पे स्मॉल में, ओके, ये आपके पास स्मॉल में होगा साइड, और ये आपके पास 6 कैपिटल s स्क्वायर, ये फाइंड करना है आपको। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, 6 तो 6 से कैंसिल आपका, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो स्मॉल s अपॉन कैपिटल s होल स्क्वायर, इसका रेशियो क्या है 1/3, इसकी वैल्यू क्या है साइड की, रेशियो क्या है 1/3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 1/9, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आपने क्या करा, क्यूब करा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, रेशियो फाइंड कर लिया 1/3, साइड का रेशियो क्या है 1/3, ठीक है, रेशियो आ गया, फॉर्मूला क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का, 6 साइड स्क्वायर, तो 6 कैंसिल, तो स्मॉल s अपॉन कैपिटल s का रेशियो रखा हमने और होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका रेशियो क्या आ गया था हमारे पास 1/3, सॉल्व कर लिया 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज वी इफ द रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल, ठीक है, एंड इट्स हाइट हाफ, द वॉल्यूम वुड बी, द वॉल्यूम इज, ठीक है, इस फॉर्म में ऑप्शन देखिए, v अपॉन टू, v, 2v, नेक्स्ट 4v, क्या कह रहा है आपसे, वॉल्यूम जो है सिलेंडर का v है, रेडियस जो है सिलेंडर की डबल है, किसके, हाइट के, ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज v, क्या दे रखा है वॉल्यूम सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल v, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड इट्स हाइट हाफ द वॉल्यूम, ठीक है, रेडियस क्या है डबल है किसका, हाइट का, और हाइट क्या है हाफ है किसके, वॉल्यूम के, क्लियर, पहले वॉल्यूम दिया v था, रेडियस 2 टाइम्स है हाइट के, हाइट क्या है 1/2 है किसका, वॉल्यूम का, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड इट्स हाइट हाफ द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, किस फॉर्म में, ये आपको दे रखा है, ये फॉर्म आपको गिवन है, तो अगर बात करें आपको यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है, वी बाई टू वी, ठीक है, 2v 4v, देखिए कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है, ये टू हाइट नहीं दे रखा यहाँ पे, कुछ और गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल, इस फॉर्म में गिवन है, रेडियस r थी डबल करी गई, हाइट h थी क्या कर दिया गया हाफ 1/2 h, अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, रेडियस डबल करी गई है, हाइट हाफ करी गई है, वॉल्यूम
क्या होगा, न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है। होता क्या है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आपका सेम रहेगा, आर की प्लेस पे आप क्या रखोगे 2R, और इसका स्क्वायर करोगे, एच की प्लेस पे आप क्या रखोगे 1/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पाई आर स्क्वायर एच की टर्म में रखना है, ये एच हो गया, और इसको सॉल्व करोगे आप आर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन में क्या है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 ओपन कर लोगे आप, ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पहले वॉल्यूम क्या था पाई आर स्क्वायर एच, अब क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया किसका, पाई आर स्क्वायर एच का, तो वॉल्यूम कैसा हो गया, डबल हो गया 2V। देख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक पाई आर स्क्वायर एच था, आर की प्लेस पे 2R, डबल हुई है रेडियस, हाइट हाफ हुई है 1/2, ठीक है, सॉल्व कर लिया, 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर, और हाइट क्या है h बाई 2, 4 को कैंसिल करा 2 ने, क्या आ गया 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच की प्लेस पे आप क्या रखोगे v, तो आंसर क्या हो गया 2V, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट इज 14, वॉल्यूम आपको सिलेंडर का क्या दे रखा है 14, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट इज 14, हाइट क्या है 14 है, डायमीटर ऑफ बेस क्या है हमारे पास 4 है, तो डायमीटर का मतलब क्या है, रेडियस क्या होगा 2 होगा, हाइट गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करनी है किसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर लोगे आप इसे, होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की प्लेस पे 22/7, आर की प्लेस पे क्या है वो क्या आपके पास, आर की प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4, हाइट की प्लेस पे 14, सॉल्व कर लेंगे 7 × 14, 22 × 4, 88, ठीक है, 88 × 2, 168, ठीक है, तो 80 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं, डायमीटर हो गया हमारे पास, ठीक है, रेडियस हाफ 14 थी हाइट, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 2 का स्क्वायर 4, और ये 14, 7 × 2, 4, 8, 8 × 22 कितना होता है आपके पास, 8 × 16, 8 × 16, 19, ओके, ये क्या होगा आपका 196, ठीक है, 196 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास इसका, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर बी इक्वल टू इट्स हाइट, क्या दे रखा है आपको, गिवन है कि जो सिलेंडर है हमारे पास उसकी जो डायमीटर है वो हाइट के इक्वल है, एच इज इक्वल टू डी, और डी किसके इक्वल है 2R के, तो R किसके इक्वल होगा एच अपॉन 2 के, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख लिए, आपको सिलेंडर दे रखा है क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है वो क्या है आपका हाइट के इक्वल है, तो डायमीटर किसके इक्वल होगा 2R के इक्वल होगा, तो R किसके इक्वल होगा एच अपॉन 2 के, ठीक है, मतलब जो हाइट होगी वो 2 टाइम्स है किसके, रेडियस के, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी एच अपॉन 2, एच बाय 2, ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, देन इट्स होल सरफेस एरिया इज, होल सरफेस एरिया का मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया, क्या मतलब है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की प्लेस पे पाई रखोगे आप, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है आपको, ऑप्शन नोट करिए इसके, ऑप्शन गिवन है आपको 2πh² नेक्स्ट 3/2πh² नेक्स्ट 4/3πh² और लास्ट आपके पास है πh² क्लियर। देखिए पाई की प्लेस पे पाई रखोगे, आर की प्लेस पे आप क्या करोगे एच अपॉन 2 की टर्म में रखोगे, क्योंकि ऑप्शन किस में आपका हाइट की टर्म में, अगर रेडियस की टर्म में होता तो आर की वैल्यू क्या होती है आपके पास यहाँ पे, मतलब एच की वैल्यू एच की प्लेस पे आर की टर्म में रखते तो एच की वैल्यू क्या होती है 2R, क्लियर, लेकिन ऑप्शन किस में हाइट की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको आप इसी फॉर्म में रखोगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एच अपॉन 2 इंटू एच, सॉल्व करोगे आप पाई एच स्क्वायर इंटू एच, कितना होगा हमारे पास एच स्क्वायर, ये हो गया आपका रेडियस एच अपॉन 2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 224 इंटू एच, तो ये हो जाएगा आपका पाई एच क्यूब अपॉन 4, क्या आ गया पाई एच क्यूब अपॉन 4, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास पाई एच क्यूब अपॉन 4, देन इट्स होल सरफेस एरिया, डायमीटर बेस का राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल्स टू इट्स हाइट, ठीक है, 2R इक्वल्स टू
एच, आर इक्वल्स टू एच अपॉन टू, सॉल्व कर लिया, एच अपॉन टू होल स्क्वायर इन टू हाइट, सॉरी हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम मिस्टेक हो रही है ना, वॉल्यूम का फाइंड करने लगे हम, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, हम लेके क्या चल रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, तो 2 पाई आर की प्लेस पे आप रखोगे एच अपॉन टू, एच अपॉन टू आर की प्लेस पे प्लस एच, सॉल्व कर लोगे 2 पाई इंटू एच अपॉन टू, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 होगा 2h प्लस एच 3h अपॉन 2, आंसर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगी वैल्यू 3 पाई एच इंटू एच एच स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 बाई 2 पाई एच स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन लेफ्ट हैं, ठीक है, अभी इसकी 2 और 3 वीडियोस में आपके जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है, आगे की नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू।